नमस्कार दोस्तों, डीजे सत्यम प्रोडक्शन में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक साउंड ओनर हो तो, अगर आप रोड शो या कोई भी लाइट का काम करते हो, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके अंदर क्या है बहुत लोग को देख के पता चल ही गया होगा, ये रोबो की तरफ से आने वाला एमआई बार है। अब एमआई बार क्या है अगर आपको नहीं पता, तो एमआई बार वॉल वॉशर या पिक्सल बटन, इसको बहुत लोग बहुत नाम से जानते हैं। तो एंट्री लेवल एमआई बार जो होता है ना, वो यही है रोबो की तरफ से आने वाला RB182। अब लोकल में बहुत सारे प्रोडक्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे, तो लोकल मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ लोकल माल मत यूज कीजिए, क्योंकि लोकल वाला ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। और अगर आप पैसा लगा ही रहे हो तो 1-2 हजार और बढ़ा के लगा ही दोगे तो आपको क्वालिटी वाला माल मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आता है आपका रोबो के ब्रांड से। रोबो अगर आपको नहीं पता तो बहुत अच्छा भी मार्केट में कर रहा है रोबो। मैं रोबो का प्रोडक्ट पहले भी यूज करता था और अभी तो सारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रोबो का ही यूज कर रहा हूँ अपने सेटअप में। सो इसका क्या प्राइसिंग होगा, इसका क्या डिटेल है, इसका रिव्यू आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को बिना लंबा किए स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका एमआई बार का बॉक्स आता है और यहाँ पे रोबो का ब्रांडिंग देख सकते हो, मॉडल नंबर भी यहाँ मेंशन है और यहाँ पे साइज आपका मेंशन रहता है। और भाई बॉक्स बहुत ज्यादा लंबा है, वीडियो में पूरा आ भी नहीं रहा, देख ही रहे होंगे आप लोग। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद सबसे पहले आपको मिलता है पावर कोर्ड, जिसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, देख ही सकते हो, मतलब बहुत अच्छा खासा मोटा है। और जैसा आपको स्पीकर कनेक्टर मिलता है, जैसे शार्पी वगैरह में आपको मिलता है, और अभी लगभग सब में स्पीकॉन ही आ रहा है, जितने भी नए नए आपका प्रोडक्ट्स आ रहा है सब में स्पीकॉन आ रहा है। और इसका बिल्ड क्वालिटी भी देख सकते हो अच्छा खासा है, मतलब टिकेगा केवल। तो साइड में रखते हैं और ये रहा आपका मेन एमआई बार। और यहाँ पे मैनुअल बहुत लोग फेंक देते हैं और बाद में फिर प्रोग्रामिंग वगैरह जब आप करते हो तो बहुत दिक्कत आती है, तो मैनुअल फेंके नहीं, इसमें सब कुछ मेंशन रहता है कैसे प्रोग्राम करना है, इसको संभाल के रखते हैं। बॉक्स को साइड में रखते हैं और यहाँ पे अपना मेन एमआई बार, तो इसको सबसे पहले इसका प्लास्टिक हटाते हैं। और प्लास्टिक हटाने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है इसका, मतलब इसमें टोटल आपको 36 LED आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इसमें छोटे छोटे, जो कि रात को बहुत तगड़ा लगता है। अगर आपको इसका ओरिजिनल इफेक्ट चाहिए ना, तो आप इसको स्मोक में ही चलाना, स्मोक में इसका ओरिजिनल इफेक्ट दिखता है, मतलब पूरा लेज़र टाइप से दिखता है, लगता है लेज़र जल रहा है। बाकी ऐसा आपका बिल्ड क्वालिटी सामने से मिल जाता है। और पीछे की बात करें तो पीछे में आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है और यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं, मेनू एंटर अप डाउन सब कुछ आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो, रोबो की ब्रांडिंग। और यहां पे आपका सीरियल नंबर वगैरह रहता है, बाकी DMX इन DMX आउट और पावर इन पावर आउट। सबसे अच्छी बात इसमें ये रहती है कि आप इसमें पावर इन यहां से दे दो और एक ही लाइट से आप बहुत सारे लाइट यहीं से आप सीरीज कर सकते हो, मतलब 10-12 लाइट तो आराम से जला सकते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी आती है इसमें कि आपको ज़्यादा वायरिंग का आपको झंझट नहीं पालना पड़ेगा, डायरेक्ट आप एक ही से सबको सीरीज कर सकते हो। और इसको जला के दिखा देते हैं आपको। तो जलने के बाद ये अभी DMX मोड पे होगा, तो इसको हम लोग मेनू से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसका RGB इफेक्ट देख सकते हो। ये ऑटो में उतना कुछ खास आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी आप ऑटो में चला सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप DMX में चलाओ। DMX में बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है, अपने खुद से प्रोग्राम करके अपने जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप चला सकते हो। इसमें साउंड वगैरह सबसे चलता है ये, तो DMX से चलाना ही अच्छा रहता है, DMX या पायलट जिससे भी आपको चलाना रहे चला सकते। बाकी एक शॉर्ट वीडियो अटैच कर दे रहे हैं, शॉर्ट वीडियो में आपको इसका इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। बाकी इसका प्राइसिंग और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए रहेगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आप एक बजट में एमआई बार ढूंढ रहे हो अपने सेटअप का लुक बढ़ाने के लिए, तो आप ये वाला एमआई बार कंसीडर कर सकते हो। अगर आपका छोटा सेटअप है तो 15 इंची या 18 इंची में भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा सेटअप का लुक आता है और अभी तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल ही रहा है, आप लोग को पता है बिहार झारखंड सब जगह। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्राइस और अगर आपको इसका कुछ डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का या व्हाट्सएप पे, आप कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहां पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।